चौधरी साहब उठो ते वेखो इंडियन करंसी आई जे। ओ पीके चौधरी साहब उधर ते वेखो ओ हकीम साहब आप आ जाए हैं, आ जाए आए आए इधर बैठे कॉफी के काले को पेड़े वाली लस्सी दे दो ग्लास भेजे। ठीक है आप सहमत ना कीजिए। ओ हकीम साहब जहमत हो गई आपको उसको पीते हुए, काले पहलवान की लस्सी को हर कोई नहीं पचा सकता। अब फरमाए हमारे नसीब कैसे जा गया आज। आपने बच्चों को कुरान पढ़ाने का जिक्र किया था। हाँ वो किया तो था लेकिन बाद में पता चला कि आप तो अहले सुन्नत में से हैं, तो मैंने शुक्र किया कि आपने तो खुद ही। अब कुरान पढ़वाना है आपको और जाने कैसे, लेकिन कुरान शीनों और सुन्नियों का अभी तक एक ही है। हाँ बात तो आपकी ठीक ही है लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात तो निकल ही सकती है मुंह से जो हमारे मसल की ना हो। जरूरतमंद है हम आपसे वादा करते हैं कि जुबान पे काबू रखेंगे। मौला अली की कसम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एवी मुश्किल कुशान ही कहते हैं उन्हें, देखें कैसी मुश्किल आसान हुई है आपकी भी और मेरी भी। लो बिस्मिल्लाह करें, समझो काम हो गया आपका। वक्त क्या मुनासिब रहे बाद अज दोपहर और कबल अज शाम, सुबह क्यों नहीं। आप भी कितने भोले बादशाह हैं, सारी रात टाइम लगा के सुबह तो हम सोते हैं, तीन चार बजे दोपहर को सोकर उठते हैं। आप 5 बजे आ जाएं, 7 बजे तक पढ़ाने। ठीक है चले वक्त आपकी मर्जी का ही सही, लेकिन तनख्वाह अगर एडवांस में मिल जाए तो। आज मुझे ना बैंक जाना नहीं हुआ वरना मैं बड़े नोट बदला के ले आता, जैसे रात को हुए थे वैसे ही रखे हैं। लें 4 बच्चों के 2000 बनते हैं, 1000 2000। ऐसी गंदी कमाई आएगी घर में। उसने रिस्क देने का वादा किया है, ये नहीं बताया कि कैसे कब और कहां से लेगा। हो सकता है कि हमारा रिस्क उसने इसी तरह लिखा हो। सारी मुसीबतों ने लगता है हमारा घर ही देख लिया है। खुदा मुश्किलें भी अपने बंदों को उनके हौसले के मुताबिक ही देता है। आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा।